बच्चों क्या हो गया मुझे पीले पैसे नहीं मिलेगा बॉल नहीं छोड़ क्या अरे स्टॉप इट बॉयज स्टॉप इट रिलैक्स नाउ रिलैक्स स्टॉप इट रन नाउ रिलैक्स प्लीज देखो इसे गलती हुई है लेकिन समझ से काम लो कौन मूव हां भागो 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 Blunder you have done, Vijay. Oh. Hey, तुम जानते हो आज कितनी लाशें गिरी हैं, कितना हंगामा हुआ है? ये सब किसकी वजह से? ओह, तेरी वजह से. बस और ज्यादा देर तक तुझे नहीं ढो सकता. अगले मोड़ पर उतर जाना. देखो हम लोग कहाँ हैं? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा. वो आगे की चाय वाली दुकान पे पूछ लेते हैं. नहीं. हम शहर से ज्यादा दूर नहीं है. खबर यहां तक पहुंच गई होगी. युगांतर के स्पोर्टर्स तुम्हें देखते ही मार डालेंगे, इसलिए अपने आप को अंधेरे में छुपाते हुए जाना, समझे? लेकिन विपुल दा, मैं कब तक छिपता फिरूंगा? विपुल दा, प्लीज बस थोड़ा सा आगे प्लीज. कितना आगे? इतना आगे तो लेके आया तुझे, स्टार बनाया, यहां तक पहुंचाया. तूने क्या सिला दिया? और जब जब तुमने अच्छा खेला, लोगों ने अपने सर पे उठाया. और तूने? ड्राइवर गाड़ी रोको, चल उतर. नहीं, गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आज काहिरा रवाना हुई. कलकत्ता में आज प्रथम डिवीजन के लीग चैंपियनशिप में युगांतर बनाम स्टील ग्रिप के खेल में हंगामा हो गया. युगांतर के बुरी तरह से हारने से समर्थकों द्वारा मचाए हंगामे को रोकने के लिए पुलिस को 22 राउंड टियर गैस तथा 20 राउंड फायरिंग करनी पड़ी. समाचार मिलने तक पुलिस की गोली से 25 लोग आहत हुए तथा 14 लोगों की जानें गई. इस घटना से शहर भर में काफी तनाव है. दिल्ली में देश के सभी वामपंथी दलों के विलय की संभावना को लेकर जी थैंक यू. अरे जरा डायरी में तो देख थॉमस अंकल का नंबर क्या है. जल्दी 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 देख देख देख. हाँ मिल गया नंबर. बोल 629-629-1276. हेलो हेलो थॉमस. हाँ मैं स्नेह भाभी बोल रही हूँ. अरे विजय कहाँ है? वो तो मुझसे पहले ही वहां से निकल गया था भाभी. और मुझसे ज्यादा खबर तो आपको होगी. अरे पता होता तो क्या मैं तुम्हें फोन करती. हाँ अरे विजय भैया आजकल मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह खेलने भाभी पता नहीं कहां पर छुपे बैठे होंगे. तो क्या तुम दोनों साथ में मैदान से नहीं निकले? पागल हो गए भाभी क्या? रिश्वतखोर के साथ बाहर निकलकर क्या पब्लिक की मार खानी है? कौन है रिश्वतखोर? इडियट. सॉरी भाभी. हेलो हेलो मम्मी पापा को सब रिश्वतखोर क्यों कह रहे? नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती. इसका मतलब पापा ने स्टील ग्रुप से पैसे लिए गोल छोड़ने के लिए? कहा तो सही कि मैं कुछ नहीं जानती. अगर विजय मुझे खुद भी आके बोले मैं तब भी यकीन नहीं करूंगा. पर
कल के एडिशन में तुम्ही ने तो हेडलाइंस में विजय का स्टेटमेंट छापा था कि पेमेंट पूरी नहीं मिली तो बॉल नहीं छूंगा। उस बात पे सच कम और झूठ ज्यादा था। कल रात कजरिया की पार्टी में विजय युगांतर के सेक्रेटरी से कह रहा था कि अगर उसके पिछले ड्यूज क्लियर नहीं हुए तो मैदान में नहीं उतरेगा। आई ओवरहर्ड इट। बस मैंने स्कूप बना के छाप डाला जस्ट टू क्रिएट सेंसेशन। और इसी बात को लेकर आज खेल शुरू होने से पहले विजय से मेरी झड़प भी हो गई। लेकिन मोनिका, आज जब वो बॉल लेके मैदान में उतरा, he was committed to win, he was 100% sure। उसने दो खोल जरूर खाए लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी, डिफेंडर्स की गलती थी। मेरे जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है मोनिका। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब स्टील ग्रिप के फॉरवर्ड बॉल लेकर आगे बढ़ते थे तो युगांतर का डिफेंडर बॉल रोकने के बजाय गोल के आगे खड़े हो जाते, जिससे विजय का व्यू ब्लॉक हो जाता था, उसकी नजरें ब्लॉक हो जाती थी। I am sure, I am 100% sure, मोनिका, मुझे यकीन है कि युगांतर के खिलाड़ियों ने अपनी टीम के प्रति सब अटैच किया है। और विजय उस हालात के अंदर क्या करता, बेचारा बॉल को गोल के अंदर जाता हुआ देखता रहा। और उस तरफ अखबार में छपे मेरे स्कूप को पढ़कर युगांतर के सपोर्टर्स का गुस्सा विजय के ऊपर था। I'm 100% convinced, Monica, that he's really innocent. Do you know what you're talking about? तुम्हारा मतलब किसी ने पूरी की पूरी टीम को खरीद लिया? Wow, what a caption! पूरी टीम बिकी। This is a new story. No, Monica, no. This is not a new story. It's a real story, real. विजय के कंधे पे बंदूक रख के किसी ने अपना निशाना साधा है। आज बेईमान विजय को छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए तो ऐसी धोबी पछाड़ दूंगा साले को। एक टॉर्च दी तो अच्छा होता। अबे टॉर्च की क्या जरूरत है, मेरी आके हेडलाइट है हेडलाइट। मेरे पास तो डंडा है, एक हाथ और भेजा भार। दिखने में कैसा है, मैंने तो सिर्फ टीवी में देखा है आज तक। सुना है गोरा और लंबा है, सड़क के किनारे चाय वाले मिशन से देखा है। उसने खुद विजय को हमारे इलाके की तरफ भाग कर आते हुए देखा है। वो कह रहा था उसके माथे से काफी खून बह रहा है। इतना मत पियो कृषाणु। मोनिका, आज खेल के मैदान में जो खून खराब हुआ उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैं भी जिम्मेदार हूं। आज खेल के मैदान में जो कुछ हुआ वो जरूर किसी सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है, जरूर ताल में कुछ काला है। मैं उसे जानना चाहता हूं। आई मस्ट नो इट कि युगांतर के इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ किसने खरीदा, स्टील ग्रिप ने या युगांतर के किसी आदमी ने? युगांतर के किसी आदमी ने मतलब? हाँ मोनिका, जो लोग क्लब की सेक्रेटरीशिप रखना चाहते हैं अपने कब्जे में, ऐसे लोग। ऐसे लोग सेक्रेटरी बनकर वीआईपी गैलरी के अंदर बैठते हैं बड़े बड़े बिजनेस टाइकूंस के साथ, बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उनसे जान पहचान बढ़ाते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, और इस जान पहचान को आधार बनाकर सरकारी मशीनरी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम नहीं जानते मोनिका ये लोग किस हद तक उतर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, कितना भयंकर खेल खेल सकते हैं। टीम का कैप्टन होने के नाते जरूर जानता होगा कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। असली खिलाड़ी मस्त अभी एनी हाउ प्रताप। कौन है, किसे ढूंढ रहे? भाभी 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 प्रताप है घर पे। दूसरा है, तुम जाकर सो जाओ, वे खबर लेने गए, मैं आते ही सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। हाँ भाभी, मैदान में इतना झमेला हो गया, मैं जल्दी आइए। बाप रे, काफी गहरी चोट आई है,
चलिए चलिए जल्दी चलिए। भाभी प्रताप कहाँ है? प्रताप मोहल्ले के दो लोगों को लेकर स्टेडियम की ओर गया है। चलो 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 आइए। भाभी कौन है वहाँ? कोई नहीं, तू किचन साफ कर ले। वो तो मैंने कब से साफ कर लिया। तो फिर दुर्गा के पास जाकर बैठ हा? और वहाँ सोना नहीं समझी, और कोई दरवाजा खटखटाए तो जल्दी से दरवाजा नहीं खोलना समझी। बाप रे बाप, चारों तरफ किडनैपिंग हो रही है, मैं दरवाजा खोलूंगी। चार बार कोई खटखट आया तो भी दरवाजा नहीं खोलूं मैं। हाँ कहाँ हुई ये घटना? स्टेडियम में। कल तक जो लोग मुझे सिर आंखों पर बिठाकर घुमाते थे, आज वही लोग अपने पैरों तले रौंदकर मुझे मारना चाहते हैं। अच्छी बात है, आज ही आपको यहाँ आना था। क्यों, क्या हुआ? आज आप यहाँ ना आते तो अच्छा था, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अब तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम? मैं तो बड़ी मुसीबत में पढ़कर तुम लोगों के पास आया था। अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं कल सुबह वो अंधेरे यहाँ से चला जाऊंगा। मनोहर भैया, मैं स्नेहा बोल रही हूँ, कहीं विजय वहां तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, अब तक नहीं लौटा, शीशे भी तोड़ दिए, आदित्य को भी खूब मारे। मनोहर भैया जरा आप ही बताइए ना, क्या विजय पैसों की खातिर गोल छोड़ने वालों में से है? अभिमान नहीं है, इतना बड़ा विश्वासघात वो कभी नहीं कर सकता, इस जन्म में तो नहीं। मेरा विजय ऐसा नहीं है, मेरा विजय ऐसा नहीं है। जरा देखो तो, ओ माय गॉड, जरा सा निशाना चूक जाता तो आपकी तो आंख ही चली जाती। अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हजारों बार न्यूज़पेपर में मेरे फोटोग्राफ छप चुके हैं, टीवी पर लोग मुझे देख चुके हैं, सारा शहर, सारा देश मुझे जानता है, पहचानता है, और अब मुझे हर नजर से दूर छिप कर रहना पड़ेगा। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि प्रताप स्टेडियम में क्या करने गया था? हमारे जो किरायेदार है ना जगदीश बाबू, वो आज खेल देखने चले गए थे, वापस ही लौटे नहीं, प्रताप उन्हीं को ढूंढने गए थे। जगदीश बाबू, ये जगदीश बाबू वही है ना, जब मैं पिछली बार इस मोहल्ले में आया था तो उन्होंने बच्चों की तरह मुझसे ऑटोग्राफ मांगा था। हाँ वही। वैसे तो वो फुटबॉल के फैन नहीं है, लेकिन आपके दोस्त से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए खेल देखने चले गए। ओह गॉड, आज ही जाना था उन्हें खेल देखने के लिए, कहीं वो पहली बार स्टेडियम में गए थे? इसका मतलब भगदड़ में वो? हाँ हाँ, मैंने युगांतर क्लब भी फोन किया, लेकिन वहां फोन की घंटी बज रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा, और मुझे अब तक घर नहीं आया, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हेलो। लेकिन स्टेडियम में इतना हंगामा हुआ, ये सब तुम लोग को पता कैसे चला? मोहल्ले के कुछ लोग वापस आ रहे थे ना खेल देखकर, तो उन्होंने बताया। ये लोग आपके बारे में इतना बुरा बुरा कह रहे थे, सुनकर तो मेरा खून सूख गया। प्रताप ने क्या कहा? प्रताप क्या कहता, चुपचाप से झुका सुनता रहा। उनके जाने के बाद बोला, विजय की वजह से आज स्टेडियम में कितने बेगुनाह मारे गए, यहाँ के लोग तो जिंदगी भर यही कहेंगे ना कि मेरे दोस्त की वजह से एक बच्चा और औरत अनाथ हो गए, जिंदगी भर यही ताने सुनने पड़ेंगे। प्रताप ने ये बात कही? हाँ, और कहने लगे अगर मैं घर में बैठा रहूँ तो मामला और भी संगीन हो जाएगा। मैंने भी कहा खबर ले आना तो तुम्हारी ड्यूटी है, वरना कल्प्रिट तो तुम ही माने जाओगे ना। आपके यहाँ आने से पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है,
जगदीश बाबू के ना लौटने तक यह बहुत टेंशन है। भगवान करे वो लोग अच्छी खबर लाए, मैं तो यही दुआ मांग रही हूँ। घर पे है प्रताप दा? कौन है? एक मिनट रुको, दरवाजा खोलती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, खबर मिली? लगता है कोई मोहल्ले वाले हैं। आपको किसी ने देखा तो नहीं यहाँ आते वक्त? खैर मैं देखती हूँ। ए चुटकी, सच सच बता, अभी अभी कोई जख्मी आदमी तुम्हारे घर में घुसा तो नहीं? This is next to impossible. स्टील ग्रिप जैसे थर्ड ग्रेड क्लब के साथ हमारा युगांतर क्लब हार गया, वो भी मेरे लाइफ मेंबर बनने के साथ साथ। मेरा जी तो दुखी हो गया साहब। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं कजरिया साहब। क्या खाक अच्छे के लिए करते हैं, लीग चैंपियनशिप तो हार गए हम लोग। अरे कजरिया साहब, लीग चैंपियनशिप ही तो हारे हैं, अभी तो शील्ड है। ये ड्यूरान फेडरेशन और रॉबर्ट्स हम सबको एक के बाद एक करके जीतेंगे। एक महीने के बाद इलेक्शन है, सेक्रेटरी उमेश आउट और विपुल दत्त इन, राइट? कजरिया साहब, जब तीर को कमान के ऊपर लगाते हैं तो डोरी को कहां खींचा जाता है? पीछे। करेक्ट, हम पीछे जरूर हटे इसलिए कि इन फ्यूचर हम तीर की गति से आगे निकल सकें। वाह क्या बात है विपुल दत्त जी, आपकी नजर तो अर्जुन की नजर के जैसी है। थैंक यू विपुल दत्त जी, आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में उतर जाइए, 100% सक्सेस मिलेगा आपको। रियली? चीयर्स। चीयर्स। Who the hell is he? कौन है, किसने फोटो खींचा है हमारा? राज देखो कौन है, पकड़ के लाओ उसे। से तुमने हमारे फोटोग्राफ्स निकाले हैं? बोल। स्टॉप इट। मैंने उसे कहा था फोटोग्राफ्स खींचने के लिए, तुम्हें जो कुछ भी बात करने मुझसे करो, छोड़ो उसको। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा नाटक है? सुना है तुम अस्पताल गए थे घायलों की तीमारदारी के लिए, यहां कैसे आ टपके? हां तुम्हें शर्म नहीं आती ये सवाल करते हुए? यहां अपने क्लब की नाज़ुक स्थिति और तुम लोग अय्याशी कर रहे हो। रोम जल रहा है और नीरो रबाब बजा रहा है। मैंने तुम्हारे फोटो इसलिए खिंचवाए ताकि आगे चलकर मेरे काम में आए, समझे? धमकी दे रहे हो? विपुल को धमकी दे रहे हो जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया? ये लो छपवा लेना। और सुनो, मैं तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूं। अरे उमेश बाबू, ये क्या तमाशा लगा रखा है यार, एक एक जाम हमारे साथ भी हो जाए। हा? मिस्टर कजारिया, नशे के लिए मुझे शराब की जरूरत नहीं है, फुटबॉल से मुझे किक मिल जाती है। आओ बिल्कुल कुछ बातें करते हैं। जो कहना ये कहो। कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है, प्लीज कम विद मी, लेट्स सिट इन द कार एंड टॉक। मैंने कहा ना, जो कुछ कहना है यही कहो। तुम्हें क्लब का सेक्रेटरी बनना है? अगर तुम्हें क्लब का सेक्रेटरी बनना है तो मुझे तुम इलेक्शन में स्ट्रेट हरा दो। ये क्या डर्टी बॉल्स खेल रहे हो? स्टेडियम में दंगा फसाद करा दिया, मासूम लोगों की जान ले ली। अपने क्लब का तूने नाम मिट्टी में मिला दिया है, क्लब को हराने के लिए तूने कितने पैसे लगाए? आई मीन लुटाए। कौन कहता है कि मैंने पैसे लुटाए हैं? अपने क्लब को हराने के लिए मैं पैसे लुटाऊंगा? किस कमजोर ने कहा है बोलो? जुबान खींच लूंगा उसकी। विजय कहां है? मैं पूछता हूं विजय कहां है, मुझे बता दे। क्यों नहीं, विजय कहां है? विजय को कहां छुपा रखा है? तुम बोलते क्यों नहीं विजय कहां? स्पीकर ऑफ विजय कहां है? विजय कोई दूध पीता बचा है जो छुपा के रखूंगा उसे? तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास सबूत है कि तुम और विजय में से इकट्ठा बाहर निकले हो। एक बात याद रखना, जब भी मुझे विजय मिलेगा तुम्हारे काले करतूतों का पर्दा मैं फांस करके रखूंगा। आई विल एक्सपोज यू इन एंड आउट इन एवरी वे, रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना।
वक्त का इंतजार करो।